राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। अगले कुछ दिनों में दिवाली, भाई दूज और छठ जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में सभी दुकानदार और व्यापारी अपनी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी और बोनस दे रहे हैं, तो वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसको लेकर आज दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा शासित नगर निगम पर कई सवाल खड़े किए हैं। साथियों, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। दो दिन बाद धनतेरस है, फिर दिवाली है, भैया दूज है, विश्वकर्मा पूजा है, गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है। और हमारे यहाँ, हमारे देश में परंपरा रही है खासकर दिवाली पे कि कोई छोटे से छोटा दुकानदार हो या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने वर्कर्स को कुछ ना कुछ बोनस, मिठाई जरूर देता है, ताकि हर आदमी अच्छे से दिवाली बना सके, नए कपड़े खरीद सके, मिठाई खरीद सके, दिए खरीद सके। लेकिन भाजपा शासित एनसीडी में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी दो दो तीन तीन महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिल रही। चाहे सफाई कर्मचारी हों, DBC कर्मचारी हों, टीचर हों, नर्स हों, डॉक्टर हों, जितना भी MCD का लाखों आदमियों का स्टाफ है, सबकी दो दो तीन तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। यहाँ तक जो लोग रिटायर हो गए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी MCD में काम किया, अपने पूरा जीवन MCD को दे दिया, आज वो पेंशन पर आश्रित हैं, उनको भी दो दो तीन तीन महीने से पेंशन नहीं मिली है। वो लोग दिवाली कैसे बनाएंगे? एक तरफ भाजपा के नेता दिवाली मिलन के प्रोग्राम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कर्मचारी MCD के आज त्यौहार के सीजन में अपने हक के पैसे लेने के लिए, अपने तनख्वाह लेने के लिए धरने और प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अंदर की इंसानियत, नैतिकता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जब आप इतने कर्मचारी, लाखों कर्मचारी आज भूखे हैं, तो आप दिवाली की मिठाई कैसे खा सकते हो? आज उन लाखों कर्मचारियों के घर का चूल्हा नहीं जल रहा, आप दीपावली पे दिए कैसे जला सकते हो? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का अमानवीय चेहरा है, आज आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तुरंत जल्दी से जल्दी सभी कर्मचारियों की सैलरी रिलीज करे, सभी रिटायर कर्मचारियों की पेंशन रिलीज करे, उनको बोनस दे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको कोई अधिकार नहीं है MCD की सत्ता में रहने का। साथियों, जैसे कि हम सबको पता है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम पैसे में शुरू से सक्षम है। जब तीनों कॉरपोरेशन की बात आती है तब साउथ MCD सबसे ज़्यादा पैसे में सक्षम माना जाता है, चाहे रेवेन्यू इकट्ठा करना हो या किसी भी तरह का काम हो, उसमें साउथ MCD ऊपर माना जाता है। उसके बावजूद एक एक महीने सैलरी ये लोग लेट देते हैं। दिवाली का समय है, चलो अभी तो दिवाली है, मेयर साहब को या भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि ये कोरोना काल में निकले, लोगों के अदर जो भी धंधे पानी थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। एक सहारा ये बचता है परिवार में कि MCD में कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो उसको समय पर सैलरी मिल जाए, ताकि वो अपना घर चला सके, त्यौहार मना सके, उसमें भी ये देरी करते हैं। इसके अलावा एक खबर और अंदर से पता चली है, जिसमें ये है कि 586 कॉन्ट्रैक्ट के जो टीचर थे, जिनको पिछले 17 महीने से इन्होंने निकाल दिया था, मना कर दिया था कि हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, वो लोग घर बैठ चुके थे। बार बार 112 बार उन्होंने चक्कर काटे थे सिविक सेंटर में आके मेयर साहब के पास। अलग अलग टाइम दिया गया, 6-6, 8-8 घंटे बिठाया गया उन्हें, और फिर लास्ट में आके हाथ खड़े कर दिए गए कि हम आपको नहीं दे सकते। उसके बाद दिल्ली सरकार ने उन्हें नौकरी दी, उनके लिए पैसा रिलीज किया, आज वो कार्यरत हैं सारे। इसी तरह से दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंदर से भाजपा कुछ और जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम कर रहे हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो या DBC वर्कर हो, इनका भी तरीका ढूंढ रहे हैं कि इनको कैसे नौकरी से हटाया जाए। तो भाजपा से मेरी रिक्वेस्ट भी है और उनको चेतावनी भी है,
कि आप अगर ऐसा काम करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के विरोध में कल हम तीनों कॉरपोरेशन के तीनों लीडर अपोजिशन अपने सारे पार्षदों के साथ और नॉमिनेटेड काउंसलर्स के साथ प्रोटेस्ट रख रहे हैं, जिसमें हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कर्मचारी के साथ हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के हक के लिए, जो कर्मचारी काम करता है, जो कोरोना में काम किया, जिसने डेंगू में जो काम कर रहा है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। उनको किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ है। मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से दीपावली के त्यौहार में हम सभी लोग अपने अपने घरों की सफाई का काम करते हैं और काफ़ी दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं कि त्यौहार आने वाला है, उस तरीके से एमसीडी का एक एक कर्मचारी पूरी दिल्ली की सफाई करने में लगा हुआ है पिछले 10 दिन से। लेकिन ये कितना अमानवीय होगा कि जब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह ना मिल पाए। देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्रवर प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।